बुरहानपुर की बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के समर्थन में रैली करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आवास बुरहानपुर को दिए गए हैं। वहीं हर्षवर्धन सिंह चौहान की बगावत पर उन्होंने कहा कि पार्टी एक बहुत बड़ा जहाज है जिसमें से दो चार चूहे यदि कूद भी गए तो पार्टी को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा नुकसान नहीं होगा। पार्टी से व्यक्ति की कद्र होती है, जो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं उनकी कोई कद्र नहीं होती। देखो भाई, हमारा तो बिल्कुल प्रिंसिपल है देश, देश के संस्कार, देश की संस्कृति। हमने जब कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने मंदिर बनाया, हमने धोखा नहीं दिया किसी को, हमने कह के बनाया। वो जमाने गए, हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हम मोदी जी के युग में जी रहे हैं। हमारी पहले वाली पीढ़ी ने, तीन चार पांच छह पीढ़ी पहले लोगों ने मंदिर टूटते हुए देखे। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम जन्म की मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण जन्म मंदिर तोड़ा गया, 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। तो अपनी इज्जत के संभाले भाई। समीर जी, मेरे पति देव आपके साथ पार्षद रहे दिमाग महापौर, और मैंने कैलाश भाई आपसे बहुत कुछ सीखा जीवन में, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। 5 साल से बुरहानपुर तरस रहा था, तड़प रहा था, तिल तिल भरकर, तिल तिल करकर जी रहा था। 5 साल हमने एक एक दिन गुजारा है कि कब 17 नवंबर आए, तब कमल के फूल का फूल। दस साल से तेज गति से बढ़ती हमारी विकास की गाड़ी रुकी। 2 माह में सतना रीवा सीधी, मैं भी 2 महीने में सतना रीवा सीधी सिंगरौली चंबल ग्वालियर मुंगावली और पूरा मालवा निवाड़ घुमा हूँ 2 महीने में। भारतीय जनता पार्टी का अंडरग्राउंड चल रहा है, ये जन से लाभ उसका उदाहरण है। ऐसा जन से लाभ सब दूर आ रहा है और इसलिए मेरा दावा है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रदेश में बहुत बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी, उस पर क्या है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसकी ही कद्र है। लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण मुझे जानते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण अर्चना जी को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुआ मतलब लोगों के दिल से बाहर हो गया। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बगावत के सुर दिखा दिए, पार्टी निष्कासन की ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करती?